यहाँ शेयर मार्केट में नहीं जाना है, बट जितने लोगों को रोजगार मिल जाता है ना अंदर, उतना फिर ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं काम पे और अपने आप को रिफॉर्म, काम जहाँ मिल गया अपने आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, और कपड़ा छोटे मोटे बहुत सारे चीज शुरू, बहुत बड़ा नहीं, छोटी छोटी चीजें। अब करीब 1 साल में 14 लाख से पूरे राजस्थान के जेलों में करीब करीब 2 करोड़ का उत्पादन है। बहुत बड़ा रकम नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूँ, बट ये जो 14 लाख से 2 करोड़ पहुंचने में हमने कोई बड़ा इंडस्ट्री शुरू नहीं की, बट जो लेबर इंटेंसिव यूनिट है उनको, हर आदमी को थोड़ा सा पैसा मिले, सामान प्रोड्यूस हो जाए, उससे अपने को लग रहा है कि वी कैन डू इट बेटर। तो अब इस साल से वी वॉन्ट टू डू अपने मसाले, तो मसाला हम मेस में इस्तेमाल करते हैं, तो हम बाहर से खरीद रहे, तो अब हम खुद मतानिया का मिर्ची के मुकाबले में इंडिया में कहीं नहीं मिलता, तो हमने ये डिसाइड किया भाई यहाँ से खरीद ले, सामान हम खरीद ले, हम ही बना ले और हम ही मेस में इस्तेमाल कर ले। तो मेरे ख्याल से वो करीब करीब आने 3-4 करोड़ की बिजनेस हम खुद कर सकते हैं और लोगों को अंदर रोजगार दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, छोटा इंडस्ट्री है, हम पे बाहर भेजने की जरूरत भी नहीं है। 20 हजार आदमी के लिए हमको रोज अगर मसाले दे दे इतना ही काफी है, 2-4 करोड़ के हमारा अंदर के रेस्टोरमेंट, बाकी जो बच जाएंगे बाहर देंगे। अब पेट्रोल पंप जो शुरू कर रहे हैं उसमें वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस, जो मसाले तैयार करते हैं, जो मास्क तैयार कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, ये पूरा हम वहीं पर रख के बेचना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि अगले साल वी शुड बी एबल टू, हम टारगेट ये दे रखे 2 से 5, 5 से 7 करोड़ के उत्पादन हो, उससे पैसा प्रॉफिट इज नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो ये नहीं समझता। सर, जोधपुर जेल विजिट किया है आपने, जोधपुर जोधपुर, जेल, हाँ जोधपुर सैनिक जेल, और कोरोना से जो चल रहा है उसके बचाव के लिए भी आपने निर्देश दिया है, किस तरह से आप जेल को राहत दे रहे हैं? नहीं, ये कोरोना महामारी जब से मार्च 21, 23 से लॉकडाउन शुरू हुआ था, उससे पहले से देखो कुछ राजस्थान जेल्स में स्वच्छता का, एक हाइजीनिक का, सैनिटेशन का एक अभियान हमने जनवरी 1 से चालू किए थे, तो उसका एक असर रहा साफ सफाई पे सभी जेलों पे, एक जोधपुर ही नहीं है बाकी सभी जेलों पे। हम अपने फिनाइल तैयार कर रहे हैं, हम अपने कप झाड़ू तैयार कर रहे हैं, हम अपना पोचा तैयार कर रहे हैं, हम अपने लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका वेजेस भी दे रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने के उपरांत हमने जेलों में 2 तरह के प्रक्रिया शुरू की थी। एक तो ये है कि पुलिस तो गिरफ्तार तो करेगी करेगी, तो इनको सीधा इनसे मिलाने के बजाय हम एक छोटा सा आइसोलेशन वार्ड अलग सा रखे थे, पहले उनमें 20 14 दिन रख, पहले 3 4 दिन रखे थे, फिर हमने 14 दिन कर दी, 14 दिन को 21 दिन भी कर दी, कि भाई इन 21 दिन के दौरान अगर किसी को कोई समस्या आ जाता है तो इनको हॉस्पिटल भेज देंगे, अगर ठीक ठाक है, 21 दिन में कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस जमाने उस टाइम पे कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं करते थे, अंदाजन नजरअंदाज आंखों से देख लिया कोई नहीं, तो इनको फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट किए। ये परंपरा हमने पूरा राजस्थान में शुरू की और करीब करीब 2500-3 हजार लोग बंदियों को भी, एक जहाँ एक्सेस बंदी थे वहाँ से शिफ्ट करके काली जगहों पे चेंज भी किया, तो ये ठीक ठाक सा चला जब तक हम जयपुर की जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक बार हमें एकदम 130 लोग एक जगह पे मिले और 37 जयपुर सेंट्रल जेल में भी मिले, उसका कारण ये रहा जो हमने 21 दिन आइसोलेशन में भी रखा उसको, उसके बाद वो जनरल वार्ड में जाने के 7 8 दिन के अंदर उसने डेवलप कर लिया और उसमें पूरा जेल में फैल गया। अब जेल को हमने अब उसके उपरांत फिर अब नया परंपरा है, नया कहानी ये कही कि एक तो हाई कोर्ट के पास जब PIL में उन्होंने कोर्ट जेल प्रशासन को और ACS को बुलाया, तो तब ये बात चला कि साहब हम तो लेके 21 दिन रख भी लेते हैं बट ये गारंटी नहीं है उसको वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अब ये आदेश निकल गया सब किसी भी मुलजिम को अंदर लाना है तो उसको पहले टेस्टिंग कर लेंगे जुडिशियल करके, उसको मैं हॉस्पिटल में भर्ती होगा, टेस्ट होगा, नेगेटिव होने के उपरांत ही उनको अंदर ले आएंगे, ठीक है। अब लाने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है, वो साफ है वो 14 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड में आ भी सकता है, फिर तो हमने ये फिर प्रक्रिया अपनाई कि मेजर सेंटर जहाँ सेंट्रल जेल्स से, है स्पेशली जोधपुर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर, इनमें हमने क्या किया कि जोधपुर सेंट्रल जेल का है, अब जोधपुर सेंट्रल जेल महिला जेल थी जहाँ पे हमें 150 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं,
तो हमने अब सोचा किसी भी व्यक्ति को अंदर भेजना ही नहीं है, तो इनको तो सुरक्षित रख ले, 1100 लोग 1200 लोगों को। अब पाली, जेतारन, सोजत, फालना, फालना नहीं सॉरी, अपना फलोदी, बिलाड़ा, यहाँ कोई भी, और जोधपुर शहर के कोई भी मुलजिम गिरफ्तार होके नेगेटिव होके आ जाए, हम उन जेलों में नहीं रख रहे, वहाँ से सीधा ले आके इनको यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में डाल दें। तो यहाँ पे 14 दिन रहेंगे, उसके बाद इनके टेस्टिंग होगा, अगर ये नॉर्मल है 14 दिन के बाद फिर नेगेटिव आ जाता है तब इनको शिफ्ट कर लेंगे हम जेल के अंदर, और अगर उससे पहले बेल हो जाए तो चला जाएगा। ये हम परम नई परंपरा बना दी, ताकि एक लेयर तो डॉक्टर की टेस्ट है, उसके उपरांत उनको एक अलग सा बॉडी कोला, किसी को अंदर कोई भी नया जेल में नहीं डाल रहे, इन जेलों में किसी को भी अंदर नहीं डाल रहे, वो सभी यहीं आएंगे, ये बाहर है। तो यहाँ आने से भी अगर मान के चलो 14 दिन के अंदर किसी को आ भी जाता है तो वहीं रहेगा, वो अंदर नहीं पहुंचेगा। एक तो ये किया है, और दूसरा अब यहाँ पे भी अगर उसके बाद भी जो अंदर आएगा उनके डॉक्यूमेंटेशन उनको करना पड़ता है, उनका सिर्फ हम 2-3 जवानों को रखेंगे, उनको किट विट पहना देंगे, वही एंट्री करेगा, वही देखेगा, उनकी सफाई के अलग लोग होंगे, उनकी रेगुलर, अब क्योंकि कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि जेल कर्मचारियों को सबकी जाँच होगी और इनके रैंडम बेसिस पे भी जाँच होगी, तो हर 15 दिन में कुछ लोगों को हम टेस्ट करा देंगे। तो सिर्फ उन जवानों को जो इनसे आइसोलेशन वार्ड से डील करते, हॉस्पिटल में काम करते, मेस में काम करेंगे, उनका हम 15 दिन में एक बार चेक करते रहेंगे, ताकि किसी ना कारणवश अगर उसको लग जाता है तो फिर वी हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेडिकेशन। आज के तारीख में इस प्रक्रिया अपनाने के बाद और हर जगह पे यही हो रहा है कि नेगेटिव भी अंदर आ रहा है, फिर भी उनको काउंटर चेक करने के लिए हमने सेपरेट जेल्स खोल रखे, तो अब उम्मीद है कि वी शुड बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। जोधपुर सेंट्रल से किसका लिया? नहीं, किसी का नहीं लिया, कैदियों का नहीं लिया। कोर्ट ने ये कहा है कैदी जो गिरफ्तार हो के अंदर आ रहे हैं उनका ले, अब किसी अंदर वालों को लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, जब तक वो कोई ऐसा सिम्टम जाहिर नहीं करे, कोई बीमार हो, कोई ऐसी बात हो, तो उनको कराने के लिए कह रहे, उनको ही कराएंगे, बाकी तो किस किस का कराओगे, 20,000 लोग है, तो रैंडम बेसिस पे सिर्फ हमारे जवानों का भी, स्टाफ का, क्योंकि ये लगातार इनसे संपर्क में रहते हैं, जैसे डॉक्टर आता है, पुलिस आता है, ये भी संपर्क में रहते हैं, और ऑलरेडी 5 या 6 लोग ऑलरेडी संक्रमित हुए, तो उनको हमका सब इस तरह से हो सकता है, तो उनको भी करा दे पूरे स्टाफ को, और उनमें अगर किसी स्टाफ को आता है उनके फैमिली का भी करा दे, और इस स्टाफ में भी रैंडम बेसिस पे सबका नहीं कराना है, बार बार उन लोगों को कराओ जो इन ज़्यादातर इन लोगों से मुलाकात करते हैं। तो जेल में हम कहीं पे भी नहीं करा रहे, अनलेस एंड अनटिल कोई बीमार हो डॉक्टर रेफर करेगा, साहब इसको SMS भेज दो, टेस्ट करा दे, वो है। सर नवाचार की बात करें तो आप क्या, नहीं बात, नवाचार काफ़ी हुए हैं, अब क्या और कुछ सर क्या नया करेंगे सर? अब क्या करेंगे यार, अब तो 4-5 दिन के बाद कोई नया वाला आके करेंगे, बट हमने मेहनत तो किया है, मेरे ख्याल से मेरे अकेले से तो क्या होता है, बाकी स्टाफ और जो आपने नवाचार किए थे कि कैदियों को जेल में भी रोजगार मिले, और अगर कोई छूट जाता है तो उसके बाद में भी उसकी आजीविका चले, इस दिशा में भी काम किया था, उसका क्या परिणाम रहा? मेरे हिसाब से अगर 2-4 दिन के बाद हम पहली बार पेट्रोल पंप की एक काफी लंबी रिक्वेस्ट के बाद सरकार ने फाइनली एक्सेप्ट किया, हमें ये लगता है कि अगर हमें 9 अभी तो 6 जगहों पे सैंक्शन मिली है, तो 6-6 जगहों पे प्रिलिमिनरी मेरा इच्छा है, मैं तो अभी शुरू हो जाना चाहिए, कि खासकर महिला बंदी जो छूटते हैं ना, इनके दिक्कत बहुत आती है, इनको ना परिवार वाले लेते हैं, ना पियर वाले लेते हैं, ना ससुर वाले, तो इनको वी आर ट्राइंग टू सी दैट दे गेट एम्प्लॉयमेंट इन दी पेट्रोल पंप्स। तो हम अगर 30 लोगों को पेट्रोल पंप में ड्यूटी देते हैं 3 शिफ्टों में, तो कोशिश यही करते दिन के ड्यूटी में 10 महिलाओं को ड्यूटी लग जाए, तो 10-12 हज़ार रुपये उनको तनख्वाह मिलेगा अपना, या और बाकी में ओपन एयर जेल्स में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी वांट टू गिव, तो अगर हमें 60-70 लोग, एक 60 लोग भी अगर एक एक पेट्रोल पंप पे ड्यूटी बाय रोटेशन लग जाता है, तो करीब करीब 400-500 आदमी के लिए परमानेंटली एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाना चाहिए, और जो इससे छोटा मोटा हम कमाई करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट वो पैसे को हम वापस इंडस्ट्री में पैसा डेवलप करना चाहेंगे। अब वो तो नया प्रेजेंट
डेवलपमेंट बोर्ड बना है जिसके माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष है।